ये तो आपको पता ही है कि आपका ये चैनल धीरज सर कॉमर्स क्लासेस पूरी तरह से कॉमर्शियल स्टूडेंट्स के लिए यानी वाणिज्य क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसमें आप अपनी सारी कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। 88 10 31 18 52 ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं और उनको हम प्रॉब्लम सॉल्व करके उनके नंबर पर व्हाट्सएप कर देते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल हो, थ्योरेटिकल हो, किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए या किसी अन्य प्रकार की वीडियो जो कि आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें और अपनी कमेंट में भी कह सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर भी कह सकते हैं। नंबर दोबारा नोट कीजिए, 8810311852। चलिए शुरू करते हैं साझेदारी फर्म का विघटन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्वेश्चन नंबर 14 और क्लास 12। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म का समापन या विघटन, इस चैप्टर की वीडियो आप लोगों को लगातार हम बना के दे रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी प्रश्न संख्या 14 आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2020 को आ और बा का निम्न चिट्ठा था, इधर संपत्तियाँ हैं और इधर दायित्व है। आ और बा लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटते थे। 1 जनवरी 2021 को फर्म का विघटन कर दिया गया। आ ने पेटेंट्स को 5,000 रुपये में ले लिया। अन्य संपत्तियों से निम्न रकमें प्राप्त हुई, ख्याति, प्लांट, रहतिया, ये सब बेच दिया गया है। लेनदारों को 5% छूट पर भुगतान कर दिया गया है। विघटन व्यय 3,500 रुपये हुआ। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक खाते खोलिए। अब भाई फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए खाता खुलता कौन सा है? तो फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए एक तो रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता और दूसरा पूंजी खाता और तीसरा कैश अकाउंट यानी कि रोकड़ बैंक खाता। यही तीन खाते यानी तीन लेजर हम बनाते हैं जिससे साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लिया है, सबसे पहले हम वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट कुछ इस तरह से आपके सामने पेश होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 रियलाइजेशन अकाउंट पार्टिकुलर्स रुपीज। वैसे इन्होंने इस सवाल में डेट भी लिखा है, 1 जनवरी 2021 को फर्म का विघटन हो गया। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में आप डेट डाल सकते हैं एज ऑन 1 जनवरी 2021। तो अगर यहाँ पर डेट डली है तो आप डेट डालिए, ज़रूर डालिए अगर डेट है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो होगा क्या क्या, तो सारे स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप होता है सारी संपत्तियों को डेबिट साइड में रियलाइजेशन के लिखना। प्लांट 40,000 का तो हमने 40,000 लिख दिया। पेटेंट 6,000 के तो हमने 6,000 लिख दिया। इसके बाद देनदार 19,000 के हैं, प्रोविजन 1,000 का कटा है, तो देनदार 19,000 यहाँ, प्रोविजन 1,000 इधर आ गया। इसके बाद रहतिया 25,000 का है तो स्टॉक 25,000 का हो गया। इसके बाद इधर कुछ नहीं है, रोकड़ बिकता नहीं है। लेनदार है 20,000 के तो हमने इधर लेनदार लिख दिया, बाई क्रेडिटर्स 20,000 के। इतना लिखने के बाद अब इन सारी संपत्ति जो सारी संपत्तियां हैं इनकी नीलामी होगी। तो नीलामी के लिए क्वेश्चन में नीचे लिखा है कि जो आने पेटेंट को 5,000 रुपये में ले लिया, तो भाई आने ले लिया है तो ए के नाम पर डाल दो, बाई एज कैपिटल के नाम से हमने 5,000 रुपये डाल दिया। इसके बाद ख्याति 15,000 की बिकती है, प्लांट 30,000 का, रहती है 22,000 का, देनदारों से 18,500 रुपये, 1, 2, 3, 4 ये चार रकम हमें प्राप्त होती हैं संपत्तियों को बेचकर। ख्याति देखिए तो पहले से नहीं थी लेकिन यहाँ पर ख्याति का भी दाम लगाया गया, इसका मतलब ये बिजनेस कुछ महत्वपूर्ण है और इनका नाम भी काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए सारी संपत्तियाँ बेची जा रही हैं। तो इसमें चार संपत्तियों का नाम है तो चारों को यहाँ पर हम लिख देंगे। लिख के टोटल 85,500 रुपये का ये सारा टोटल एसेट्स बिक गया। इसके बाद ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं और ये ए का लोन भी है 10,000 रुपये का,
तो ए का लोन भी हमारे लिए लायबिलिटी है। ए के लोन के बारे में आपको दो बातें बता देता हूँ। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर लोन लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, तो इसको आप अगर नीचे यहाँ पर लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं बाई एज लोन के नाम से, और इधर कैश बैंक के नाम से आप पेमेंट में दिखा सकते हैं। क्रेडिटर्स के साथ में, क्रेडिटर 20,000 के हैं, तो यहाँ पर क्रेडिटरों का बोला गया कि लेनदारों का 5% छूट पर भुगतान कर दिया गया। तो 20,000 का 5% होता कितना है? 1,000 रुपया। तो जिन लोगों को 20,000 रुपया देना है, उनको 1,000 काट के देंगे, यानी 19,000 रुपया देंगे। तो हमने यहाँ 19,000 लिख दिया है। उसके बाद जो खर्च हुआ है वसूली का, वो 3,500 रुपये का हुआ है, तो वो यहाँ लिख दिया। लोन की बात जो मुझे बतानी थी, वो ये बतानी थी कि अगर आपने लोन को यहाँ लिख दिया है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया है, तो इधर पेमेंट भी आपने कर दिया है, तो अब लोन यहाँ पर अगर आपने लिख दिया है, तो अब ये इसका पेमेंट रियलाइजेशन के द्वारा हो जाएगा। अब दोबारा आपको कैश या बैंक अकाउंट में कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर लोन के बारे में कुछ नहीं लिखे हैं, तो आप इस लोन का पेमेंट कैश या बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख करके कर दीजिए। इसके पास इस मतलब इसका पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन बनता है, एक तो यहाँ के द्वारा पेमेंट, और एक सीधा डायरेक्ट कैश या बैंक में क्रेडिट साइड में लिख करके भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें आपको चकित होने की या सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है, यानी इस लोन का भुगतान दो तरीकों से हो सकता। हाँ, लेकिन कंपलसरी कब है रियलाइजेशन अकाउंट में इसको डालना? ये कंपलसरी तब है जब यहाँ पर किसी पार्टनर ने लोन दिया हो, या किसी बाहरी व्यक्ति का लोन हो, या बैंक का लोन हो, और यहाँ पर नीचे कहा जाए कि उस लोन का भुगतान इतने रुपए छूट पर कर दिया गया, तो उस केस में आपको लोन की रकम यहाँ डालना और यहाँ पर छूट काट कर भुगतान करना जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी उसका फायदा यहाँ रियलाइजेशन में मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो ये बात आप समझ चुके हैं। इसके बाद डिफरेंस होगा, डेबिट साइड इसमें ज़्यादा है और क्रेडिट साइड है कम। तो कम कितना है? 1,000 रुपया कम है। इधर का जो टोटल है 1,22,500 है, जबकि इसका टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5,000 तक 1,21,500 है, यानी 1,000 रुपये कम है। तो 1,000 का हो गया लॉस। उस लॉस को हम इस रेशो में 3:2 के बांट देंगे, तो 600 रुपये और 400 रुपये ए और बी के हिस्से ये चढ़ जाएगा, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसीलिए उनका कैपिटल अकाउंट का नाम यहाँ पर जिक्र में डाल दिया जाता है। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी में पुरानी कैपिटल लिखते हैं, जो कि 30,000 25,000 है। इनके पास सामान्य संचय भी 10,000 का है, इसको भी हम 3:2 के रेशो में बांटेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले पुरानी कैपिटल लिखना है 30,000 और 25,000 रुपये यहाँ पर। उसके बाद वो जो रिजर्व है 10,000 रुपये का, 3:2 के रेशो में उसको बांट देंगे। उसके बाद रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ था 600 400, उसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने यहाँ पर पेटेंट लिया था 5,000 रुपये का, तो ये जो पेटेंट ए के कैपिटल के नाम से है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन के समय मिस्टर ए ने पेटेंट को 5,000 रुपये में लिया था, इसलिए यहाँ पर 5,000 रुपये का जिक्र होगा, क्योंकि इनका पैसा कटना भी तो है, क्योंकि अगर पेटेंट ले गए हैं तो पैसा तो यहाँ कटेगा कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद और कुछ इसमें दिया नहीं है जो बांटा जा सके। ए को 36,000 का टोटल पेमेंट होगा, यानी 36,000 यहाँ और यहाँ दोनों जगह लिखेंगे। इसमें से 5,600 रुपये माइनस करेंगे, तो इनको कैश या बैंक के माध्यम से 30,400 रुपये दे दिया जाएगा। यहाँ टोटल 29,000 का बैठता है, जिसमें 400 रुपये हट जाएगा, तो 28,600 का भुगतान बी को कर दिया जाएगा। इसके बाद अब हम पहुँचते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट में। तो वहाँ पर सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखते हैं। बैलेंस बीडी में कैश या बैंक का बैलेंस लिखा जाता है, जो कि इस सवाल में 6,000 का है। तो यहाँ पर 6,000 रुपये का जो कैश बैंक का बैलेंस है, इसे सबसे पहले ये वाली रकम लिखी जाएगी यहाँ पर। इसके बाद वसूली जब हो रही थी, तो इन्होंने सारी संपत्तियों को बेचकर 85,500 रुपये वसूल किया था, तो 85,500 रुपये फिर यहाँ पर उसके नीचे लिख दिया जाएगा।
85,500 रुपये, यानी इसका मतलब ये होता है कि इनके पास जो रकम वसूल करके संपत्तियों को बेचकर आई वो 85,500 आई है, तो कुल 91,500 रुपये हो चुके हैं। अब भुगतान किसका किसका होगा? भाई इनको भुगतान दो जगह हो रहा है, एक तो कैपिटल अकाउंट में ए और बी को 30,400 और ये 28,600 का पेमेंट। तो सबसे पहले हम ए और बी का पेमेंट लिख देंगे। इसके बाद एक पेमेंट यहाँ रियलाइजेशन में, जिसमें लोन वगैरह क्रेडिटर वगैरह कुल मिला के 32,500 का भुगतान हुआ है, तो ये वाला पेमेंट हम करेंगे 32,500 का। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारा का सारा पेमेंट हो गया। अब दोनों तरफ का टोटल 91,500, इधर भी 91,500 आ चुका है। इस प्रकार से कैश एंड बैंक अकाउंट भी रेडी हो गया, बराबर हो गया। तो इसकी शुरुआत जहाँ से हुई है वहाँ से आप शुरू से देखिए एक बार। ये भी मुड़ गया यहाँ पे, तो ये यहाँ से शुरू हुआ था और एक एक करके हमने इसके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़े हैं और इसको लास्टली हम लोगों ने यहाँ पर इसको पहुँचा दिया और ये यहाँ पर ये समाप्त हो गया। इसका आंसर चेक करें तो क्या दिया है, ओहो इन्होंने जो दिया है ना वो सिर्फ वसूली की हानि 1,000 रुपये दिया है और बोल दिया खाते सारे बनाओ और बाकी और खातों का आंसर नहीं दिया। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये जो कैश बैंक अकाउंट है ये बैलेंस शीट की तरह मैच हो जाता है दोनों तरफ। अगर ये डिफरेंस हो जाए, यानी ये साइड ज़्यादा या ये साइड ज़्यादा हो, तो समझ लो आपका सवाल गलत है। यही पहचान है आपका सवाल सही है जब ये दोनों तरफ बराबर हो। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 आपने देख लिया है। तो अगली वीडियो में हम फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप पार्ट्स नेक्स्ट देखेंगे अवश्य, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन, शायद क्वेश्चन नंबर 15 कुछ अलग भी है क्योंकि उसमें दिवालिया वाली कहानी चल रही है। ये कहते हैं साझेदार के दिवालिया होने पर फर्म का विघटन, तो ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं करेंगे। तो इसकी भी वीडियो हम तुरंत ही शूट करके डालेंगे। मिलते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, यानी अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए और उनको बताइए कि अकाउंट की तमाम वीडियोज इस चैनल पर उपलब्ध है और हर चैप्टर की शेयर से भी संबंधित सारी वीडियो डली हुई हैं, रिटायरमेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स और 11वीं क्लास के फाइनल अकाउंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, सारी वीडियोज हमने डाला हुआ है, कैश बुक वगैरह की सबकी प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आप लोग बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। और जिन बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो वह डायरेक्ट मेरे पास, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 88-10-31-18-52, यानी 8810311852, इस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम को भेज भी सकते हैं। उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आप लोगों के पास भी भेज दूंगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, चाहे थ्योरेटिकल चाहे न्यूमेरिकल, वह प्रॉब्लम हमें अगर आप शेयर करेंगे तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर भेजूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।